तो ये हमने सिंपल सिंटैक्स लिख लिया है। और यहाँ पे हम लोग एरे बनाते हैं, तो एरे बनाने के लिए ऊपर में चले जाएंगे। यहाँ पे जैसे इंटीजर का एरे बनाना है तो सामने लिखूँगा एंटी, यहाँ पे कुछ भी नाम लिख दूंगा जैसे नम, और यहाँ पे उसके बाद डाल देंगे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद यहाँ पे अगर इसका वैल्यू कुछ असाइन करना चाहते हैं तो दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग इसमें कुछ भी वैल्यू डाल दे सकते हैं कॉमा सेपरेटेड के साथ, जैसे कि 2, 3, 6, 3 कुछ भी वैल्यू डाल दिए यहाँ पे। तो नम में नम का ऑटोमेटिकली यहाँ पे 4 हमने वैल्यू डाला है तो इसका साइज बन गया 4, और इसमें ये सारे वैल्यू आ गए। यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे 4 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमारा एक एरे बन गया, उसके अंदर वैल्यू असाइन हो गया। अब यहाँ पे इसको प्रिंट करा देते हैं ताकि उसके वैल्यू क्या है हमें पता चल सके। प्रिंट कराने के लिए हम लोग लेंगे जैसे इंटीजर तो परसेंटाइल डी, कॉमा एरे का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में उसका इंडेक्सिंग, जैसे 0 को प्रिंट कराना है यानी फर्स्ट वैल्यू को प्रिंट कराना है तो यहाँ पे 0 लिख दिया। और इसको अगर कंपाइल करता हूँ तो ये देखिए एक एरर आ रहा है। ओके, यहाँ पे हमने स्पेलिंग सही से नहीं लिखा है। अब यहाँ पे अगर इसको रन कराते हैं यहाँ पे ये देखिए 2 प्रिंट कर रहे हैं। 2 क्या है, जो कि 0 इंडेक्सिंग पे है। वैसे यहाँ पे 1 करता हूँ तो हमें 3 प्रिंट कराना चाहिए, ये देखिए 3 प्रिंट कर रहा है। वैसे यहाँ पे 6 लिखता हूँ तो ये हमें प्रिंट करना चाहिए, सॉरी 6 में कोई वैल्यू है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे 4 ही तक लिया है हमने। तो यहाँ पे अगर 3 लिखता हूँ तो ये हमें जो ये वाला है थर्ड इंडेक्सिंग का यानी 0, 1, 2 और ये 3, तो 3 का पोजीशन में जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करके दे रहा है। क्या हुआ अगर इसमें जैसे कि यहाँ पे साइजिंग ना डालें तो भी ये चलेगा क्योंकि ऑलरेडी हमने वैल्यू असाइन कर दिया है। और अगर यहाँ पे साइज़ को कम कर दें जैसे 2 कर दें, लेकिन यहाँ पे 2 करेंगे तो 0 और ये 1 वाला यानी 2 वैल्यू आना चाहिए और 2 और 3 इंडेक्सिंग का वैल्यू नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए अगर हम इसको रन करते हैं तो देखिए एक एरर बता रहा है, बोल रहा है टू मैनी इनिशियलाइजर्स। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने 2 ही वेरिएबल का साइज़ लिया है एरे का, तो इसलिए टू मैनी इनिशियलाइजर बोल रहा है कि मतलब एक से ज़्यादा इनिशियलाइज करने के लिए वैल्यूस आ गए हैं। तो इसलिए कभी भी इसमें वैल्यू अगर सेम टाइम पे डिक्लेयर कर रहे हो तो इसको ना डालो, और डाल रहे हो तो उतना साइज डालो जितनी इसकी लंबाई है। मतलब जैसे 4 करेक्टर तो यहाँ पे हम लोग 4 डाल सकते हैं, तब कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं अगर 3 डालता हूँ तो हमें एक एरर दे देगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या है जैसे एरे का डिक्लेरेशन हो गया। अब चलिए देखते हैं एरे को सभी को प्रिंट कराना है हमें तो क्या करा सकते हैं। तो हमने देखा था लूप के बारे में, तो बिफोर दैट हम लोग देख लेते हैं इसकी साइजिंग, या फिर हमने जैसे कि यहाँ पे सेम टाइम पे डिक्लेयर किया है और वैल्यू असाइन कर दिया है तो उसको हम लोग चाहते हैं वैल्यू बाद में असाइन करना है। तो यहाँ पे सिंपल डिक्लेयर कर देंगे नम 3, तो 3 साइज का इसका डिक्लेरेशन हो गया। अगर इसको अगर हम रन कराते हैं अभी तो रन तो हो जाएगा, लेकिन उसके वैल्यू क्या चीज़ है 0 बताएगा क्योंकि हमने उसको कुछ वैल्यू डाले नहीं। अगर उसको यहाँ पे वैल्यू असाइन कर देता हूँ नम 0, यानी पहले पोजीशन में हम लोग क्या रखना चाहते हैं यहाँ पे जैसे कुछ 56 रख दिया। यहाँ पे अगर 0 को मैं अगर प्रिंट कराता हूँ तो ये देखिए 56 प्रिंट हो गया। वैसे यहाँ पे अगर मैं एक और वैल्यू ले लेता हूँ num1=10, तो जो पहला पोजीशन है मतलब सेकंड पोजीशन है इंडेक्सिंग 1 का, तो उसका वैल्यू क्या है चीज़ है 10 है। यहाँ पे रन कराते हैं, यहाँ पे वैल्यू num1 डाल देते हैं तो उसको प्रिंट कराने के लिए क्या चीज़ आ गया अपने पास, ये देखिए 10 को प्रिंट कर दिया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या चीज़ है पर्टिकुलर इंडेक्सिंग को हम लोग असाइन कर सकते हैं वैल्यू, साथ ही साथ उसको ऐसे प्रिंट भी करा सकते हैं। और
हम अगर चाहें तो सारे वैल्यू को एक साथ प्रिंट करा सकते हैं। इधर यहाँ पे हम लोग इसको कॉमा सेपरेटेड करें, जैसे यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, इसका एक और का भी डाल देते हैं वैल्यू यहाँ पे, num2 इक्वल टू जैसे 3 डाल दिया। तो ये देखिए हमारे तीनों वैल्यू असाइन हो गए, यहाँ पे उसको प्रिंट करा देते हैं num वन जीरो वन टू, इस लाइन से कर देते हैं 01 कॉमा num2, और यहाँ पे उसके लोकेशन बता देते हैं %LD, फिर %LD। तो इस प्रकार से इसको रन कराते हैं, तो ये देखिए तीनों प्रिंट करके दे दिया है। तो इस प्रकार से हम इसको प्रिंट तो करा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या चीज़ है, हमें हर क्या बोलते हैं एक इंडेक्सिंग का एक एक नाम दे दे के हमें लिखना पड़ रहा है। अगर हम इसको सारे बहुत सारा अगर लंबा एरे है तो उसको प्रिंट कराने में दिक्कत जाएगी, तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं लूप का, फॉर लूप व्हाइल लूप, जो आपको सुविधा पड़े लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक इंटीजर ले लेते हैं उससे पहले, NTC, ठीक है। तो यहाँ पे सी ले लिया, तो सी का वैल्यू का असाइन कर दिया 0, और यहाँ पे ये पहला स्टेटमेंट। उसके बाद हमने सी को कहाँ तक प्रिंट कराना है, 3 तक का है, मतलब 2 3 से कम, यानी 2 इंडेक्सिंग तक का है, 0 1 2, 3 इंडेक्सिंग का है, तो 3 से कम तक का करेंगे, और यहाँ पे कर देंगे सी को प्लस प्लस। तो इस प्रकार से यहाँ से हमारा लूप स्टार्ट हुआ, और क्या बोलते हैं नए लाइन के साथ हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे नम के वैल्यू को, और नम के वैल्यू को कौन से इंडेक्सिंग देना है उसके लिए हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं सी। यानी यहाँ पे पहले में सी का वैल्यू 0 रहेगा, तो num0 को पहले प्रिंट करेगा, सी का वैल्यू जैसे ही 1 होगा तो c1 को प्रिंट करेगा, फिर सी के वैल्यू 3 वाला रहेगा तो c2 को प्रिंट करेगा। तो इस प्रकार से तीनों को प्रिंट करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा लूप बन गया। अब इसको रन करते हैं, तो देखिए 56 को प्रिंट किया है, 10 को, फिर 3 को। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी एरे के वैल्यू को लूप के जरिए प्रिंट करा सकते हैं।